हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्वेरी, जो कि जब आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब मैंने अपर लिप्स की एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने टंग का यूज़ करके इस तरह से आपको खुद अपर लिप्स करना बताया था। फिर मुझे उस पर रिप्लाई आया कि उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर टंग यूज़ करने से पेन होता है, यानी कि माउथ में पेन होता है, तो वो कोई और टेक्निक बताओ। तो मैंने सेकंड टेक्निक जो बताई थी वो ये थी कि आप इस तरह से अपने माउथ का यूज़ कर सकते हो और फिर आप अपर लिप्स कर सकते हो। तो उस पर किसी ने रिप्लाई किया, जो मैंने नेक्स्ट व्यूवर्स थे, थर्ड व्यूवर्स जो जिन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ कॉर्नर्स के बाल उनसे निकलते नहीं हैं, यानी कि ये इस टेक्निक से उनके कॉर्नर्स के बाल नहीं निकलते, बाकी निकल जाते हैं। तो अब मैं, उन्होंने कहा था कि एक ऐसी टेक्निक बता जो कि हवा भर के करी जा सके मुंह में, यानी उसको हम बबल टेक्निक बोलते हैं। बबल टेक्निक में क्या होता है कि आपको अपने माउथ के एक पार्ट में एयर इकट्ठी करनी होती है और फिर उस पर क्या होता है कि उसका जो स्किन है वो टाइट हो जाती है, जिससे आप इजीली थ्रेडिंग कर सकते हो। तो वही टेक्निक जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इसमें आपको वही प्रोसेस करना है। आपने एक थ्रेड लेना है, थ्रेड इतना होना चाहिए, ना तो वो ज़्यादा बड़ा हो और ना ही वो ज़्यादा छोटा हो। छोटे होने से आपके हाथ नहीं चलेंगे और अगर बड़ा होगा तो फिर भी नहीं चलेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी जो अपर लिप्स है वो होगी नहीं। तो आपकी जो नेक्स्ट टेक्निक है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैंने ये थ्रेड लिया है, इसको मैं 1, 2, 3 and 4 टाइम इसको फोल्ड किया है मैंने, यानी कि 4 इसमें जो नोट्स दिए हैं, कैसे 4 टर्न दिए हैं, 1, 2, 3 and 4 एंड देन इनफ। तो ये जो टर्न है इस टेक्निक से, अब मैं बबल टेक्निक का यूज़ करना बताती हूँ। तो आपको क्या करना है कि अपने माउथ के एक डायरेक्शन में, मेरे यहाँ पे कुछ बाल तो हैं, बहुत कम बाल हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली 3 to 4 days अपने अपर लिप्स करती रहती हूँ। तो इस टेक्निक में आपको अपने एक पार्ट में हवा भरनी है, कैसे, इस तरह से, यानी एक बबल बनाना होता है हमें एयर का, हवा का एक बबल एक पार्ट में बना लीजिए। आप पूरे माउथ में मत बनाइएगा, ऐसे करके मत बनाइएगा, आपके माउथ में तब भी पेन होगा। अगर आप पूरे माउथ में बबल बनाओगे तब भी आपके माउथ में पेन होगा। तो आपको सिर्फ एक पार्ट में बबल बनाना है, सिर्फ एक पार्ट के लिए। कैसे करोगे आप, इस तरह से बबल बनाना है, टेक्निक वही रहेगी। आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे हेयर्स इस वाले लूप में आएंगे, इधर इस वाले लूप में आपके हेयर्स आएंगे, आपने इसको चलाना है और जैसे जब आप इसको ओपन करोगे तो ये वाली लूप छोटी होती चली जाएगी, फिर आप इसे ओपन कर दोगे, फिर वही प्रोसेस चलेगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम बबल बनाएंगे, फिर मैं आपको इसकी टेक्निक बताती हूँ। इस तरह से आप बबल बनाइए, तो ये जो प्रोसेस है आप कर सकते हो, खुद ब खुद आप ये प्रोसेस कर सकते हो। कैसे, बबल बनाया, तो ये जो है यहाँ पे अपर लिप्स मेरी हो चुकी है कंप्लीट। तो नेक्स्ट है आपको ये वाला पार्ट करना है। देखिए, इस पार्ट के लिए आपको बबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इस पार्ट को आप ऐसे कर सकते हो जैसे हम नॉर्मल थ्रेडिंग में करते हैं, यानी नॉर्मल अपर लिप्स करते हुए करते हैं, किस तरह से, इस तरह से। ये देखिए, तो मेरा ये वाला पार्ट भी अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये जो वीडियो है कोई स्पीड अप नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है इसमें, कोई कट नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली ये वीडियो बता रही हूँ, डायरेक्टली दिखा रही हूँ बिना किसी कट के। तो इतनी जितनी देर आप देख रहे हैं इतनी देर में मेरी अपर लिप्स हो जाएगी। अब मैं ये वाला पार्ट करती हूँ। इस पार्ट के लिए हम थ्रेड को ऐसे नहीं चला सकते, ऐसे चलाएंगे तो बालों की डायरेक्शन में हम थ्रेड नहीं चलाते, क्योंकि बालों की डायरेक्शन में चलाते हैं तो हेयर्स जो है वो इस लूप में नहीं आते, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लूप में हेयर्स नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से चलाएंगे, हमारी डायरेक्शन ये रहेगी चलाने की। तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस, मैंने यहां बबल बनाया है,
तो ये देखिए मुझे यहाँ पे कुछ हेयर्स फील हो रहे हैं अभी भी, ये मैं करती हूँ। तो इस तरह से ये जो है ये अभी रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपर लिप्स कर सकते हो। ये जो होती है ऐसे बबल टेक्निक बोलते हैं, जिसमें आप इससे आप इस डायरेक्शन में एक बबल बना लेते हो। इससे आपको टंग लगाने की जरूरत नहीं है, माउस को टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे ये टेढ़ा करने वाला प्रोसेस भी अच्छा लगता है, और आप देखिएगा ये टेक्निक भी बहुत इफेक्टिव है। लेकिन जब आप ये बबल बनाते हो ना, तो यहाँ पे तब भी प्रॉब्लम आती है थोड़ी करने में। तो इसलिए 1 मिनट के लिए भी, आधा 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा, जब आप यहाँ करते हो, ये वाले पोर्शन करते हो, तो थोड़े सा टंग लगा लिया कीजिए। थोड़े में कुछ नहीं, थोड़े में इतना पेन नहीं होता, 1-2 सेकंड में कुछ नहीं होता है। आपने क्या करना है, बस जैसे कि आपने बबल बनाया, यहाँ थोड़ी सी टंग लगाई बबल बना के, इस तरह कर दियो। इससे क्या होगा, आपकी अपर लिप्स जो है कॉर्नर से वो भी इजिली हो जाएगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो जानने के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।